दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2021 टीयर टू का आपका रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का टीयर टू में सिलेक्शन हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स को आप टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। चलिए रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं। तो जो एसएससी सीएचएसएल 2021 का रिजल्ट था, इसमें टोटल 54,341 बच्चों ने आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया था, ठीक है ना। तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन की बात करूं तो ये जो आप लोगों की लिस्ट है, ये लिस्ट है आप लोगों की फॉर द टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जीएसए जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो इनकी टीयर वन और टीयर टू की जो कंबाइंड कट ऑफ आप लोगों की यहाँ पर गई है। अगर मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूं तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई है आपकी 199.69831 यानी कि लगभग 200 नंबर आप लोगों की कट ऑफ गई है। 200 नंबर का आपका टीयर वन होता है और 100 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, यानी कि ये कट ऑफ आपकी 300 में से गई है जनरल कैटेगरी की, ये आपकी एलडीसी जीएसए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की। अगर इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 182 पॉइंट समथिंग आपकी कट ऑफ गई है। इसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 191.32458 आप लोगों की कट ऑफ गई है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहां पर है आप देख सकते हो 35,023 स्टूडेंट्स को आपको यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि डीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ के लिए, डीओ इन कैग यानी कि कैग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो कट ऑफ आप लोगों की गई है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपको दिख रही होगी 222.7768 गई है, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 221 यानी कि थोड़ी सी कम गई है और ओबीसी कट ऑफ आपकी यहाँ पर 219 गई है। और इस पोस्ट के लिए आपको 4,374 स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो अगली कट ऑफ है आप लोगों की वो कुछ इस तरीके से है। अगली कट ऑफ आपकी है डाटा एंट्री ऑपरेटर अदर देन कैग यानी कि कैग के अलावा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है उसमें आपकी कट ऑफ इस तरीके से गई है। जनरल कैटेगरी की 230 पॉइंट समथिंग गई है, ईडब्ल्यूएस की भी आपकी सेम गई है यानी कि दोनों कट ऑफ सेम है और ओबीसी की इससे आपकी 4 नंबर कम कट ऑफ गई है। यहाँ पर 1,511 स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो लगभग कुल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर 40,000 के आसपास बच्चों को टाइपिंग के लिए बुला लिया गया है, ठीक है ना। आप देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एलडीसी जीएसए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की टाइपिंग की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है ना, इंग्लिश में। और अगर यहाँ पर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग की स्पीड की बात करें तो 27 वर्ड पर मिनट आप लोगों की टाइपिंग यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने टीयर वन टीयर टू की कंबाइंड कट ऑफ के बाद जिनको टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन 40,000 के बाद जो बच्चे टाइपिंग करेंगे उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर आप लोगों का सीएचएसएल 2021 में फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। तो जिस बच्चों को टाइपिंग नहीं आती है वो अभी भी टाइपिंग सीख सकते हैं, अभी भी बहुत मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल इजिली कर पाओगे इस चीज को। अगर आपके पास कहीं बाहर जाके नहीं सीख सकते तो आप अपने घर में भी सीख सकते हैं। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर आता है फ्री में, तो आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा, आपकी स्पीड आ जाएगी। और निश्चित तौर पर अगर आप 35 वर्ड पर मिनट के लिए टाइपिंग देने जा रहे हैं तो आपकी घर पे स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। अगर 27 पर वर्ड पर मिनट के लिए टाइपिंग देने जा रहे हैं तो घर पे आपकी टाइपिंग 32-33 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में जाते हो तो एक प्रेशर रहता है और प्रेशर में आप लोग थोड़ा सा होपलेस हो गए, उतनी स्पीड नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, जिससे आप गलती ज्यादा करोगे अगर आपकी स्पीड कम रहेगी। अगर आपकी पहली ज्यादा स्पीड रहेगी तो आप वहां पे कॉन्फिडेंटली काम करोगे, कॉन्फिडेंटली आप इजिली आप अपने पेपर को निकाल सकते हो, टाइपिंग को पास कर सकते हो, ठीक है ना। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि खुद मैंने भी एसएससी सीएचएसएल 2015 की टाइपिंग दी है, सिलेक्शन भी लिया है फाइनल सिलेक्शन। उस टाइम पे मेरी घर पे जो स्पीड आती थी इंग्लिश में वो 42 वर्ड पर मिनट आती थी, और मैंने वहां पर जब टाइपिंग करी स्टार्टिंग के 1 मिनट तक मेरी भी उंगलियां कांप रही थी वहां पे, मैं भी लिख नहीं पा रहा था, बट 1 मिनट के बाद मैंने 8 मिनट में कंप्लीट पैराग्राफ लिख दिया था विदाउट 0% एरर, यानी कि मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ 8 मिनट में कंप्लीट पैराग्राफ लिख दिया था जो मुझे दिया गया था, ठीक है ना। तो 5 से 7 वर्ड पर मिनट की स्पीड अगर आपकी ज्यादा रहती है तो बहुत इजिली आप टाइपिंग को पास कर सकते हो, ठीक है ना, विद एक्यूरेसी आपकी स्पीड होनी चाहिए।
अब साथ ही साथ इन बच्चों के नंबर कब आएंगे, यानी कि ये तो आपकी कट ऑफ आ गई। अगर आपको अपने नंबर चेक करने हैं कि मेरे कितने नंबर हैं, तो आपको 23rd ऑफ दिसंबर को इसके मार्क्स रिलीज कर दिए जाएंगे, जिसको आप 23rd ऑफ दिसंबर से 5 जनवरी के बीच एसएससी की वेबसाइट पर जाकर अपने नंबर को चेक कर सकते हो, जिससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दी फाइनल सिलेक्शन। निश्चित तौर पर डेफिनेटली आपका इस बार सीएचएसएल में 2021 में सिलेक्शन होगा, और जो बच्चा सीएचएसएल 2022 की प्रिपरेशन कर रहा है, वो आपके अपने परिवार रिजल्ट गुरु के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, जिसमें सुबह हर दिन सुबह के 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आपकी एसएससी सीएचएसएल का एक कंप्लीट बैच चल रहा है। तो इसी तरीके की अपडेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप अपने परिवार रिजल्ट गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।